अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ मराठी सीखे। पाठ क्रमांक 41, जोड़ाक्षर। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जो है र की पांच किस्में देखेंगे। र की पांच नहीं, र को मुख्तलिफ शक्ल के साथ में पांच तरीक़ों से लिखा जाता है। इसके मुतालिक हम जो है मुकम्मल मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। रो की पहली किस्म, रो की पहली किस्म देखेंगे कि को में रो मिलाएंगे तो इस तरह से क्रो, क्या पढ़ेंगे इसको, क्रो। भो में जब रो मिलाएंगे तो ये रो की किस्म है, यहाँ पर इस तरह से निशान लगाते हैं, इस तरह से निशान नीचे लगाते हैं तो इसको पढ़ेंगे भ्रो। प्रो, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रो। इस किस्म में रो का तलफ़ पूरा अदा होता है और जिस हर्फ को लगता है उसका तलफ़ अधूरा निकलता है। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं, तमाम बच्चे बहुत ध्यान से सुनना है किस लफ्ज़ को, किस अक्षर को, किस शब्द को किस तरह पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर पहले प्रजा, प्रोभा, प्राण, प्रेम, क्रम, भ्रम, प्रकाश, प्रवास, प्रचार, प्रवाह, प्रमाण, प्रश्न, प्राप्त, प्राणी, तकरार, क्रोध, क्रमांक, केंद्र, उपक्रम, क्रिया, शुक्रवार, प्राचीन, प्रक्रिया, प्रयोग, प्रधान, प्रचंड, प्रमुख, प्रतिज्ञा, प्रेमचंद, प्रत्यक्ष, प्रयत्न, प्रत्येक, प्रस्ताव, प्रशिक्षण, प्रतीक, प्रतीक, एप्रिल, प्राचार्य, पिंपरी, प्रभात, विक्री, क्रिकेट, द्राविड़, ग्रामीण, विनर्म, किरड़ा, प्रकार, अतिक्रमण, क्रांति, कार्यक्रम। यहाँ पर प्यारे बच्चों, उर्दू में भी उस लफ्ज़ को उसी तरह लिखा गया है जिस तरह मराठी में लिखा गया है। उसी तरह अगर हमको जो है और आसानी के लिए पढ़ना है तो हम पहले उर्दू में देखकर उस लफ्ज़ को मराठी में देख सकते हैं कि वो किस तरह से लिखा जाता है, ताकि हमको आसानी के साथ में मराठी का शब्द समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ रो की पहली किस्म देखे है पाठ्य क्रमांक 41 में। इस तरह रो की मुकम्मल पाँच किस्म हम देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सबक है पाठ्य क्रमांक 41 यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।